कोई भी विद्वान राजनीतिक कोई भी संस्था का को प्रयोजन हो, वार्षिक उत्सव हो, उसमें अगर बुलाया जाता है, अगर वो जाते हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि उसके सिद्धांत से प्रभावित होकर के जा रहे हैं। और हो सकता है कि इनके जाने से जो आरएसएस के संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकती है, उसको नज़दीक से वो देख सकते हैं। और देख करके स्पष्टवादी प्रणब मुखर्जी चुप रहने वाले में तो नहीं है, वहाँ भी बोल सकते हैं, पब्लिक डोमेन में भी बोल सकते हैं। इसलिए उनके जाने को कोई टूल नहीं देना चाहिए। और आरएसएस के कैंप में सिर्फ प्रणब मुखर्जी ही एक ऐसे प्रमुख आदमी हैं जो जा रहे हैं, सो बात नहीं है। सुना है कि महात्मा गांधी भी उनके कैंप में गए थे और नेता भी लोग गए थे, तो फिर इसमें चीलपों करना नहीं चाहिए। हाँ, क्या भाषण देते हैं, क्या उनका रिएक्शन होता है, उसके बाद समझना चाहिए। हम तो समझते हैं कि देश हित में ही प्रणब मुखर्जी ने सोचा है और वहां जाने का काम किया है।